एक पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है, इससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर, क्योंकि लालच लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर करता है जिसका अंजाम भी बेहद बुरा होता है। तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख रहे हैं, ये लोगों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दोगुना मुनाफे का लालच देकर देश विदेश के लोगों से करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। बता दें, यूपी के आगरा की साइबर सेल और थाना सिकंदरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। करोड़ों की ठगी करने वाले तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शातिर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 40-80% तक का लाभ देकर लोगों से ठगी करने का काम करते थे। अभी तक लगभग 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी ये आरोपी कर चुके हैं। ये शातिर अपराधी सोशल मीडिया पर फर्जी प्रमोशन का वीडियो मैसेज बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया करते थे। पकड़े गए अभियुक्त 4 मोबाइल, 9 जीमेल, 55 फर्जी इंस्टाग्राम, 1 टेलीग्राम चैनल का इस्तेमाल ठगी के लिए कर रहे थे। इन्होंने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए ड्रीम कार्ड नामक एक कंपनी का इस्तेमाल करके अपने चंगुल में फंसाया था। थाना सिकंदरा और साइबर सेल टीम ने संयुक्त रूप से एक गैंग को पकड़ा है जो सोशल मीडिया और स्पेसिफिकली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से फर्जी अकाउंट्स बनाकर पहले उस पर ट्रेडिंग के वीडियोस शेयर करते थे। इन सभी वीडियोस के माध्यम से ये अवैध रूप से लोगों को झांसा देते थे कि यदि लोग इन्वेस्ट करेंगे या इनको पैसे देंगे तो एक हफ्ते में 50% का रिटर्न और अगले हफ्ते में 30-40% का रिटर्न और आने वाले दिनों में उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और इस तरह से झांसा देकर लोगों का पैसा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अपने पास ले लेते थे और फिर उस अकाउंट को बंद कर लेते थे। इस गैंग को का पर्दाफाश किया गया है, इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं और अभी तक की जाँच में बहुत बड़ा अमाउंट तमाम न केवल भारत के अंदर लोगों से बल्कि विदेश में बैठे लोगों से इन्होंने ट्रांजैक्शन में प्राप्त किया और उनके साथ ठगी की घटना कारित की। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इनमें से जो 3 व्यक्ति हैं, इसमें एक मुख्य सरगना है, मास्टरमाइंड है इसका, अमन, और 2 इसको सोशल मीडिया के माध्यम से क्लाइंट दिलाने वाले व्यक्ति हैं। अमन ने ये पूरी टेक्निक एक टेलीग्राम ऐप के माध्यम से एक उत्कर्ष नाम के व्यक्ति से सीखी थी। अमन ने यह भी बताया कि कुल 40 लोग थे और उन्होंने ये उत्कर्ष के गाइडेंस में ये सब कुछ सीखते थे और फिर वो अलग होके इसने अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर लिया। पुलिस ने बताया कि सम्राट और यशवीर नाम के आरोपी सोशल मीडिया से ठगी करने के लिए लोगों को चिन्हित करते थे और इसके बदले में अमन उन्हें 50% तक पैसे देता था। अमन ठगी करने के बाद इन दोनों एजेंटों को 50% देता था। पुलिस ने अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।